मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने परागण की क्रिया को समझा था कि व्हाट इज पॉलिनेशन और उसके टाइप्स। आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत होने वाली पॉलिनेशन प्रक्रिया को समझा। अब हम उसके आगे वाले टाइप में अर्थात पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया, हमने देखा कि मादा युग्मक का निर्माण हो चुका, नर युग्मक का निर्माण हो चुका, नर और मादा युग्मक के फ्यूजन के लिए आवश्यक पॉलिनेशन भी हो चुका। अब इसके आगे किस प्रकार से होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें जो पिस्टिल, यहाँ पर पिस्टिल वर्ड यूज हुआ है अर्थात पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इंग्लिश में। तो व्हाट इज पिस्टिल? पिस्टिल अर्थात जायांग पार्ट, पुष्प का जायांग भाग या स्त्री केसर जो कहलाता है वो पिस्टिल कहलाता है। मैं फिर से रिवाइज करूं तो ये तीन पार्ट से मिलके बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी अर्थात वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इन चीजों से मिलके पिस्टिल निर्मित होता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये है पुंकेसर। इसकी संरचना हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इसमें होता है फिलामेंट और एंथर। एंथर यानी पराग कोश। इस पराग कोश में किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। ये हो गया हमारा पराग कोश। और इस पराग कोश के अंतर जब ये पराग कोश फटता है तो परागकणों का निर्माण होता है। ये जो परागकण है ये नरयुग्मक हो गए। और इसी प्रकार से यहाँ पर ओव्यूल में भ्रूण कोश होता है जो कि मादा युग्मक फीमेल उसको गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आज का जो वीडियो है कि ये जो पराग कण है ये कहाँ ट्रांसफर होंगे? ये ट्रांसफर होते हैं पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा में। तो पराग कणों का यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंच करके इस पोर्शन पे जाकर के ये पराग कण क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद उनमें कौन सी क्रिया होती है उसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब भी परागण होता है, मान लीजिए ये फ्लावर का एक पार्ट है और इसमें परागण की क्रिया हो गई, तो ऐसा आवश्यक नहीं कि उसी फूल के उसी प्रजाति के परागकण इसके स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर आकर रुके। हो सकता है उसमें कोई दूसरे पौधे का परागकण भी वहां जा सकता है और वहां पर जाकर के क्रिया होती है कि नहीं। ये यहाँ की जो वर्तिकाग्र है ये बहुत सिंपल थिंग नहीं है। ये इसमें इतनी कंपैटिबिलिटी होती है कि ये पहचान सके कि जो परागकण मेरे यहाँ पर आकर के अधेस हुआ है वो आसंगित हुआ है, वो मेरे ही प्रजाति के परागकण है या कि किसी दूसरे पौधे की, वो इसको पहचान लेती है। इसको ही हम पराग और स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहते हैं। तो वर्तिकाग्र पर अपने ही पुष्प के परागकण को पहचानने की क्या होती है? एबिलिटी होती है और उसके कारण वो उसको पहचान पाता है। तो यहाँ पर अगर हम चित्र में देखें तो देख रहे हैं बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार के पोलन ग्रेन्स गिरे, हो सकता है उसमें दूसरे प्रकार के भी पोलन ग्रेन्स गिर सकते हैं, दूसरे पौधों के भी, आम के भी, दूसरे प्रजातियों के भी पोलन ग्रेन्स वहां पर गिर सकते हैं। लेकिन जो वर्तिकाग्र का सिरा होता है ये इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो डायग्नोस करता है कि हमें किस पोलन ग्रेन को, कौन से पराग कण को आगे निषेचन के लिए अंदर जाने की अनुमति देना है। जब वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, कॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है, तभी यहाँ पर वो पोलन ग्रेन जो है वर्तिकाग्र पर जो जल उपस्थित होता है, जो शुगर कंटेंट उपस्थित होता है, उसको सोख करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। और फिर यही पोलन ग्रेन में किस चीज का निर्माण हो जाता है? पोलन ट्यूब बनना चालू हो जाती है। जब ये पोलन ट्यूब बनती है तो ये क्रमशः नीचे की ओर बढ़ती है अर्थात यहाँ पर उसका इंटरेक्शन होता है वर्तिकाग्र से और ये आगे बढ़ करके निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के लिए आगे की क्रिया करती है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से भी शॉर्ट में समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा नंबर वन पे? परागण की क्रिया होगी और परागण की क्रिया के बाद ये पहला नंबर वन स्टेप कहलाएगा।
दूसरा परागण आसंजन अर्थात जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र पर आकर के इकट्ठा होते हैं, स्थिर होते हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा, पराग कण का जलयोजन। वर्तिकाग्र पर जो जल और शुगर मौजूद है, शुगरी कंटेंट, वो इससे पराग कण उसको सोख लेंगे, जिससे क्या होगा, फर्दर अंकुरण होगा। और अंकुरण कहाँ होगा, वर्तिकाग्र पर होगा। फोर्थ स्टेप क्या है, पराग नलिका द्वारा वर्तिकाग्र भेदन। अब पराग नलिका जब अंकुरण हो जाएगी उसमें पोलन ट्यूब निर्माण हो जाएगी। या शॉर्ट में लिख देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, जब इसमें पोलन ट्यूब निर्माण कर लेगा तो वो स्टिग्मा को भेदन करेगा और स्टिग्मा के अंदर से होते हुए कहाँ आ जाएगा, वर्तिका पे आ जाएगा। ये फिफ्थ स्टेप है। वर्तिका पे आने के बाद आगे आगे बढ़ेगी पोलन ट्यूब और ये बीजांड द्वार पे आकर के पराग नलिका जो है वो भ्रूण कोष तक जाएगी। वहां जाने के बाद कौन सी अभिक्रिया होगी, नंबर छह पे निषेचन की अभिक्रिया। तो परागण से लेकर के निषेचन के पूर्व तक का जितना ये क्रम आप देख रहे हैं लाइन से, इतना हिस्सा कहलाता है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। इतने जो पद हैं ये पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो निषेचन वाला जो पद है इसको बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोहरा निषेचन क्या है, फ्यूजन क्या है, इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।